जी हाँ, फाइनली डॉन 3 को लेके खबरें आ रही हैं। और जैसा कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अभी तक देख के थंबनेल और टाइटल देख कर समझ ही गए होंगे कि शाहरुख खान जो डॉन 3 करते हुए नहीं दिखेंगे, और डॉन अब डॉन 3 के रूप में आएगी ही नहीं। पहली बात तो डॉन रिबूट होकर आएगी, जिस प्रकार से चलता रहता है। देखिए, हम सभी जानते हैं ऐसा होता ही आया, कोई नई बात नहीं है। ये शाहरुख खान ने करने से मना कर दिया, वो जो भी चीज़ें मुझे लगता है वही किसी और हीरो के साथ उनके दोनों आपस में बैठ नहीं पा रहे होंगे क्रिएटिव रूप से साथ में, इस वजह से उन्होंने करने से मना कर दिया। फरहान अख्तर भी अपनी बात पे टिके होंगे, शाहरुख खान भी अपनी बात पे, तो इस वजह से कर नहीं रहा। काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि कहने लग रहा है कि शाहरुख खान अब पठान कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं, इस टंकी कर रहे हैं, ऐसी तरह की फिल्म अब डॉन नहीं करना चाहते। भाई डॉन उनका आइकॉनिक कैरेक्टर है भाई, उस कैरेक्टर को छोड़ ही नहीं सकते। डॉन में ऐसा क्या नहीं है कमर्शियली जो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, फुल कमर्शियल फिल्म है वो। लेकिन बात वही है, उस तरह से स्वीकार करके तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन बात कुल मिला के यही है कि दोनों एक तरह से क्रिएटिव रूप से साथ में बैठ नहीं पा रहे होंगे, इस वजह से दोनों अपनी अपनी जगह सहमत है और वो फिल्म नहीं कर रहा। फरहान अख्तर की ही खुद की फिल्म है वो, तो वो किसी और के साथ फिल्म बनाएंगे। जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, किरदार हमेशा ही जिंदा रहते हैं, एक्टर हमेशा बदलते रहते, कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें तो स्पाइडरमैन, बैटमैन सभी के किरदार बदलते रहे। अब वो तो हमारी चॉइस होती है कि हम शायद शाहरुख खान को देखना हमें पसंद हो, हम किसी और एक्टर को ना देख पाए। वैसा कुछ कुछ लोगों के साथ होगा जो ज़्यादा फैन होंगे शाहरुख खान के, तो रहता है। जैसे स्पाइडरमैन के रूप में टॉबे मैगायर को मैंने बचपन में देखा था तो मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे एंड्रयू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड नहीं अच्छा लगता। कोई और भी आएगा वो भी मुझे स्पाइडरमैन के रूप में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पर्सनल चॉइस हो जाती है। लेकिन प्रोड्यूसर है भाई, उनके पास उनकी फिल्म में उनको बनाना है, तो वो खत्म थोड़ी ना कर देंगे, एक्टर बुड्ढा हो जाएगा या उस प्रकार की चीज़ें नहीं होगी, तो किसी और एक्टर को लेके बनाई जाएगी, तो वो तो बनती रहेगी डॉन। और फाइनली डॉन जो है रिबूट हो रही है, किस एक्टर के साथ होगी, क्या होगी, ये तो आने वाले वक्त में हमें मालूम चलेगा। लेकिन शाहरुख खान के खाते से अब जो है डॉन 3 जा चुकी है, अब डॉन रिबूट होकर आने वाली, अब देखने वाली बात होगी, फिल्म हो सकता है शायद 2025 तक देखने को मिल जाए।